हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जो है वो 26 क्वालिटी ऑफ वैष्णवा ये बुक जो है वो रीडिंग कर रहे हैं। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे कि वैष्णव का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज के साथ कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो बुक है सत्य स्वरूप महाराज, तो उन्होंने ये बताया है कि वैष्णव की कौन सी क्वालिटी है, वैष्णव में कौन से गुण होने चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वैष्णव का रिलेशनशिप होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आइए हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय बुद्धये श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरक्षेत्री कारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभंस ज्ञानंद श्री अद्वैत और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, भगवान का जीवन यात्रा भी शुरू है, रूप गोस्वामी पद्माचार्य का अंतिम भी है। तो जैसे कि रूप गोस्वामी भी हमें, क्योंकि हम लोग रूपानु के हैं, रूप गोस्वामी ने भी हमें भक्ति रसा मृत में और श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे उपदेश दिए गए हैं कि जो वैष्णवास होते हैं वो जनरली कितने होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, है ना, कनिष्क मध्यम मध्यम। तो हर वैष्णव के साथ जो डीलिंग होती है वो सेम नहीं होता। तो ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है कैसे हम समदृष्टि भी रखेंगे और डिफरेंस भी रखेंगे। तो समदृष्टि किस लेवल पर होता है कि जीव जो है वो भगवान का अंश है, ये जो बात होती है इस बात पे जो होता है वो समदृष्टि है ना। और डिफरेंस कैसे आता है कि जीव जो है अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो कनिष्क अधिकारी का जो कंसर्न होता है, भगवान से रिलेशन होता है, ये होता है बहुत ही प्राथमिक लेवल का होता है, उसको ज्यादा कंसर्न नहीं रहता, वो भगवान को केवल अर्च विग्रह के रूप में ही देखता है, राइट। उसको बाकी रिलेशन या भक्तों के साथ बेस्ट रिलेशन उसको डीलिंग नहीं पता होता है। तो उनसे जो बिहेवियर लेवल होता है अलग होता है, जो मध्यम अधिकारी होते हैं उनके साथ अलग होता है, और जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके साथ रिलेशन अलग। तो ये डीलिंग हमें सीखनी चाहिए। तो हमें याद है कि हमने रूप गोस्वामी के उपदेशामृत ग्रंथ हमने पढ़े हैं, राइट, हम सबने पढ़े हैं, राइट, कितने लोगों ने पढ़े हैं ये उपदेशामृत ग्रंथ, लगभग सबने पढ़े हैं ना। तो उसमें भी वो मंत्रास में डीलिंग बताते हैं कि जो भगवान है उनके जो भक्त हैं उनके तीन प्रकार के भक्त होते हैं और उनके पद के अनुसार डीलिंग करने वालों को व्यवहार होते हैं। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, जो हम शास्त्रों को परंपरागत गुरु के या दक्ष गुरु के निर्देशन में जब हम श्रवण करते हैं तो हमें ये डीलिंग आएंगे। जनरली भक्तों के अंदर एक ही शिकायत होती है, नहीं हमने तो उनसे ऐसे कहा था लेकिन ऐसे हो गया, ये चीज हम ऐसे करते हैं ऐसे हो गया, ये सेवा हम ऐसे करते हैं ऐसे है, या बहुत पॉलिटिक्स है हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा करके वो बहुत चीजों से दूर हो जाते हैं, कभी कभी ऑफेंस मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है। तो क्या होता है कि सही से भक्ति नहीं कर पाते, या अपने ऊपर काउंसलिंग सिस्टम नहीं रखते, किसी का मार्गदर्शन नहीं रखते और अपने आप को ही सोचते हैं कि हम अपने आप ही चेक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोग कहीं भी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डीलिंग कैसी है। तो आइए हम यहाँ से भी देखते हैं आज 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास में। फर्स्ट हम देखते हैं कि भागवतम में भी बताया गया है, जो कैंटो है 11 कैंटो, उसने बताया कि यही जैसे मैंने बताया कि द मोस्ट एडवांस डिवोटी, इंटरमीडिएट डिवोटी या मेटेरियलिस्टिक डिवोटी। और श्री प्रभुपाद ने नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बताया है कि दैट टू प्रीच वन मस्ट एक्ट ऑन द मध्यम अधिकारी। तो हालांकि जो भक्त होते हैं वो सब कुछ जानते होते हैं, करते होते हैं, लेकिन हमारी जो डीलिंग है अलग अलग होगी। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि जो प्रीचिंग है, तो श्री प्रभुपाद का जो मूवमेंट है वो प्रीचिंग मूवमेंट है ना, वहां पे हम प्रचार करते हैं। तो प्रचार करना कृष्ण भावनामृत में एक प्रमुख कार्य होता है। तो यहाँ पे हमें व्यवहार में ये सीखना है कि जब हम प्रचारक तभी बने जब तक एटलीस्ट हम मध्यम अधिकारी ना हो जाए, क्योंकि कनिष्क अधिकारी जो है
नियोफाइट इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो ऑलवेज फाइट तो वो हमेशा क्या करता है, जहां देखे वो लड़ाई कर लेता है। जैसे भक्तों को दिखाया जाता है कि जो भक्त होते हैं वो तामसिक भोजन नहीं करते, तो घरों में या कई डिबेट में, अरे आप तामसिक भोजन खा रहे हैं, ऐसे ऐसे डिबेट करते हैं, यू अंडरस्टूड, ऐसे पॉइंट वो। या फिर बोलते हैं ओ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो इस तरह के टॉपिक्स लेते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, न्यू फाइट, नया नया फाइट डेवलप करते हैं। इससे क्या होता है, अगला व्यक्ति जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो प्रीचिंग नहीं कर पाता। तो प्रीचिंग के लिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम से कम मध्यम अधिकारी, उसको पता होना चाहिए कि भैया भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लेकिन जो वैश्वर है वो भी भगवान जी ही है। तो हम डायरेक्ट जब भगवान के साथ एसोसिएशन करेंगे तो हम शायद उतना रेसिप्टेशन ना कर सके, हमारे अंदर हम्बलनेस आदि, या भगवान की सही वर्शिप ना कर सके। इसके लिए क्या करना होगा, हमें वैष्णवाद के साथ अपनी जो डीलिंग है वो करनी पड़ेगी, जिससे कि हम देख सकेंगे कि किस तरह से भगवान के हम सुंदर से सुंदर अपराध रही सेवा करें। तो वैष्णवाद को और बाकी लोगों को भी वो इक्वली ट्रीट करते हैं, तो ये जो होते हैं मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी को पता होता है कि किससे क्या बात करनी है, प्रीचिंग कैसे की जा सकती है ना, और कैसे सिंपल बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर डेवलप करने के बाद हम किसी को भगवान की कॉन्शियसनेस बहुत इजीली दे पाते हैं। तो मध्यम अधिकारी को डीलिंग में एक्सपर्टीज हासिल होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज रिटन इन श्रीमद् भागवतम, समबडी कैन रीड इट। It is written in Srimad Bhagavatam 11.2.46, an intermediate or second class devotee called Madhyam Adhikari offers his love to the Supreme Personality of Godhead, is a sincere friend to all the devotees of the Lord, shows mercy to ignorant people who are innocent and disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे हम देखें मध्यम अधिकारी का लक्षण श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन किया, जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि जो सेकंड क्लास है मध्यम अधिकारी जो होता है वो भगवान को भगवान मानता है, कहते हैं कि जो अदर डिवोटीज हैं वो भी जो है वो भगवान के ही भक्त हैं, और ये जो नए लोग हैं जिनको भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है उनको हमें ज्ञान देना है, ये इग्नोरेंट है, दया दिखाते हैं, लेकिन जो भगवान से द्वेष करते हैं उनसे वो दूर रहते हैं। तो ये है मध्यम अधिकारी के लक्षण। तो जब तक कोई जीव मध्यम अधिकारी के श्रेणी में नहीं आ जाता तब तक उसको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उसके बाद इन सब मूवमेंट में उतरना चाहिए। तो पहला डीलिंग ये है कि अच्छी समझ होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि जो नए नए भक्त होते हैं या जिनका कनिष्ठ लेवल का श्रद्धा होता है उनकी कोमल श्रद्धा होती है ना, बहुत ही कम फेथ होता है उनको, बहुत आसानी से डिबेट में शास्त्रों को कितनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो क्या होता है उनको ज्यादा पता नहीं होता चीजें और उनकी रियलाइजेशन भी बहुत कम होती है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो है वो फेवर थ्रू द विजन ऑफ इंटरमीट मध्यम अधिकारी, अब मध्यम अधिकारी के विजन से प्रचार करते हैं, तो इस तरह से प्रचार, क्योंकि मध्यम अधिकारी को ज्ञान होता है, वो भेद कर सकता है कि कौन वैष्णव है और कौन जो है इग्नोरेंट है। तो यहाँ हमें एक बार बताया जा रहा है कि हमें समदृष्टि रखना है और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि हमें भेद करना है, ये दो जो सिचुएशन है ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है। तो ये समझना होगा कि देखने में तो विरोधाभास लग रहा है लेकिन ये विरोधाभास है नहीं, है ना, कि हमें क्या करना है कि वैष्णवों को परमात्मा उनकी है समदृष्टि रखते, लेकिन परमात्मा है लेकिन डीलिंग अलग अलग होगी। जैसे कि अगर आप देखिए तो जैसे हम हमेशा मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हमारे सामने एक शेर है और एक वैष्णव है और कोई बकरी है, तो इन तीनों से हम डीलिंग एक ही रखेंगे? नहीं, हम तीनों से अलग अलग डीलिंग रखेंगे, राइट। हम जानते हैं कि जो शेर है हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे उनको जो है वो दूर रखेंगे, लेकिन उसे ईर्ष्या या द्वेष नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि उनके अंदर भी भगवान का अंश है, इसलिए जो है वो भगवान के ही है, लेकिन हमसे डीलिंग अलग रखेंगे, उनको गले लगाए, लेकिन वैष्णव के साथ डीलिंग अलग हो, है ना। तो जब
कोई भक्ति शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी जो भक्ति है उसमें जो भक्ति के 6 आस्पेक्ट है वो अलग अलग मात्राओं में होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि डिवोटीज के अलग अलग सॉरी होते हैं, डिवोशन सर्विसेज होते हैं, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु श्रवण, स्मरण, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्म निवेदनम। तो नवदा जो भक्ति होती है उसकी अलग अलग विधा है। तो अलग अलग जो अधिकारी होते हैं, कनिष्क, मध्यम, उत्तम, उनके अलग अलग डेप्थनेस होती है इन नवदा, है ना। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति की शुरुआत होती है सुनने, श्रवण करने, है ना। तो सबसे पहले कोई भी डिवोटी बनता है या थोड़ा भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो हमें टाइम देता है ना, भगवान को अपना समय देता है, समय देता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसका हृदय भक्तों के साथ शुद्ध होता है तो धीरे धीरे उसका श्रवण यानी अपनी सुनने की जो कैपेसिटी है या ध्यान है, टेंशन है, वो घटेगा, है ना। उसके बाद वो सुनता है, करता है और भक्तों का संग और ज्यादा करने लगता है तो उसको पता चलता है कि हमें अगर तामसिक हमारा आहार रहेगा तो हमारा विचार कभी भी सात्विक नहीं होता। तो फिर उसका जो थर्ड स्टेप होता है होता है कि वो उनको जिब्वा यानी अपनी जिब्वा को कंट्रोल करता है। तो ये डेप्थनेस है, देखिए धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो हो रहा है तो डेप्थनेस हो रही है। तो जिब्वा जब भगवान को दे देता है तो उसका बोलना और जो भोजन है ये दोनों जब कंट्रोल जाता है तो बाकी इंद्रियां उसकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जो सारी इंद्रियां होती है वो भगवान की सेवा में होती है। और कैसी सेवा में होती है? मनसा, वाचा और कर्मणा। तो ये उत्तमत्ता है। तो डिवोशन लेवल भी अलग अलग लेवल पर होता है, राइट। तो मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, वो भेद करते हैं। और कनिष्क अधिकारी और उत्तम अधिकारी दोनों भेद नहीं करते। तो लेकिन जो कनिष्क अधिकारी होता है वो अज्ञानता के कारण भेद नहीं कर पाते, और उत्तम अधिकारी होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं और सब में भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं इसलिए भेद नहीं कर पाते। तो ये दोनों प्रचार नहीं करते, इनमें प्रचार केवल मध्यम अधिकारी ही कर सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ा नॉलेज होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, भगवान के साथ, भगवान के पास, भगवान के तदीय यानी भगवान से रिलेटेड जो चीजें होती है उनके साथ उनको संबंध पता होता है। और वो भेद करते हैं जो ईर्ष्यालु लोग उनसे द्वेष करते हैं, जो भगवान से उनसे वो दूरी रखते हैं, और जो इग्नोरेंट है, सचमुच अज्ञानी है और अपने जीवन में दुख कारण जो है वो तरह तरह के डिप्रेशन में है या अलग अलग प्रॉब्लम्स में है तो वो उनको ज्ञान देकर, भगवत ज्ञान देकर उनको हैप्पीनेस प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो ब्रीचिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि जो मध्यम अधिकारी जो होते हैं ये ऑफरिंग हिज लव टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कैसे करते हैं? बाय सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, बाय चैंटिंग द होली नेम एंड वर्शिपिंग द डिटी। ठीक है ना। तीन तरह से वो भगवान की से डिवोशनल सर्विस जो है वो करते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, आज ये फर्स्ट एस्पेक्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो गुरु तत्व जो है इसको जानना बहुत जरूरी है कि जब तक हम गुरु को सर्व नहीं करेंगे या गुरु को तत्वतः नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान तक अप्रोच। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती, तो सबसे पहले जो है वो गुरु की आराधना की, है ना। क्या गाते हैं? संसारे दावणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणे वंदे गुरु। तो गुरु जो होते हैं वो परंपरा में होते हैं, जो परंपरा में होते हैं वो ही ऑथराइज्ड होते हैं। और जब हम ऐसे गुरु के समर्पण में रहकर भगवान के बारे में सुनते हैं, उनको जानते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको अच्छी से समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि गुरु क्या होते हैं? वो बलराम के एक्सपेंशन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भगवान के, इसलिए वो ट्रू जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं। इस ट्रू नॉलेज के बेस पर जीव अपना जो लॉस्ट रिलेशनशिप है उसको रीस्टैब्लिश। जैसे ही जीव को अपना लॉस्ट जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ जो भूल गया है इसको रीस्टैब्लिश करता है, वैसे ही उसके जीवन में आनंद और शांति अच्छे क्लेश अग्नि और शुद्धता दोनों उसके जीवन में प्रवेश करते। तो इसके बाद जब वो ये जीवन में थोड़े क्लेश कम होते हैं और उसके अंदर शुभता, शुभ
मंगलमय जीवन उसका जब शुरू होता है तो डिसाइपल जो है वो अंडरस्टैंड करता है दैट प्लीजिंग द सुप्रीम मास्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन सुप्रीम लाइफ एंड इट इज सीक्रेट ऑफ एडवांस. तो ये कनिष्क अधिकारी नहीं समझ पाते है ना. कनिष्क अधिकारी सीधे अर्चा विग्रह से अपना रिलेशन करता है ना. लेकिन मध्यम अधिकारी जो होते हैं उनको पता होता है कि भगवान इतने आसानी से समझ में आने वाले नहीं. डिवोशनल सर्विस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो चीजें हैं वो बिना गुरु के निर्देशन के बिना गुरु की शरणागति किए हुए हम नहीं समझ सकते. तो यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं कनिष्क से लेकर मध्यम मध्यम से उत्तम इन दिशा में अपना प्रगति करना चाहते हैं तो हमें गुरु के निर्देशों को पालन करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि उनकी कृपा के बिना हम नहीं. उसके बाद देखते हैं जिससे एक्सप्लेन इन गुरु अष्टकम में तो मैंने आपको बताया है कि वन हु विथ ग्रेट केयर एंड अटेंशन लाउडली रिसाइट दिस प्रेयर to the spiritual master during a Brahma Muhurat obtain the direct service to Krishna at the demise of his body के शय होने पर जीव जो है अगर ये गुरु अष्टक जो मैंने बताया संसार अष्टक वर्सेज है इनको अगर रोज खाली मंगला आरती में वो रिसाइट ही करता है तो शरीर के त्याग के बाद वो भगवत गमन उसका हो जाता है. देखिए कितना पावरफुल है. अभी ये नहीं बोला जाता कि आप इसके रहस्यों को समझ जाएंगे इनके अर्थों को समझ जाएंगे उसके हिसाब से आप बिहेव करेंगे. नहीं केवल आप अगर मंगला आरती आते हैं और गुरु अष्टक जो है वो डेली रिसाइट करते हैं भगवान के समक्ष तो वो डिवोटी का भगवत धाम निश्चित है. ऐसा भी ठाकुर जो है बताते हैं इस गुरु अष्टक को पढ़ने का महत्व. तो दक्ष गुरु के निर्देशन में छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा ही हमें हैप्पीनेस का मार्ग जो है प्रदर्शन. तो बिना गुरु के जो हम चलने की कोशिश करते हैं या अपने आप जो है वो करने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे. हम कब माया में हैं हमें पता नहीं. तो बिहेवियर को ठीक से समझने के लिए एक दूसरे अपना बिहेवियर समझने के लिए अदर्स बिहेवियर को समझने के लिए या कोई प्रॉब्लम है उनको भक्तों के समाज में या मंदिर में उनको समझने के लिए उससे कम आउट करने के लिए हमें गुरु की अत्यंत आवश्यकता है. ये बात जब क्लियर हो जाती है तब हम दास दासा अनुदास परंपरा को ठीक से फॉलो करेंगे और हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी को बड़ी एडवांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा है संसार दावल का कैन एनीबडी रीड का जो है हम जो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मीनिंग दिया हुआ है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया. Can I read, Mataji? Yes, yes, yes. The spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. Just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it, so the spiritual master delivers the materially afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master who is an ocean of auspicious qualities. Yes. पहला स्टेज में है संसार दावन की मीनिंग दी है जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया कि जीव जो है जब संसार में आता है तो अनेक प्रकार के दुखों से घिरता है. तो शास्त्र बताते हैं ये दुख जो है केवल भागवतम में बताते हैं सेवन कैंटो में कि जीव जो है जब इस दुनिया में आता है तो प्रहलाद महाराज का आप लोगों ने पढ़ा होगा सेवन कैंटो में कैसे नरसिंह देव का वो प्राकट होता है ये होता है. उसके बाद वो राजा बनते हैं और वो शासन करते हैं. तो एक बार वो भ्रमण कर रहे होते हैं तो क्या होता है रास्ते में उनको सिद्ध महात्मा मिलते हैं जो कि अजगर प्रवृत्ति से एक जगह पड़े रहते हैं. तो प्रहलाद महाराज उनके उनके जो चेहरे का तेज देख के समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं. तो उनसे कन्वर्सेशन होती है. उन कन्वर्सेशन में सिद्ध महात्मा जो है वो बताते हैं कि वैसे तो वो बात नहीं करते लेकिन जब वो प्रहलाद महाराज के भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको देखते हैं तो कहते हैं आपसे डिस्कस करना मेरे जीवन का सार्थक है. तो उसमें वो बताते हैं कि जो जीव जो है जो अनेक प्रकार के कष्टों से घिरा है वो है तीन प्रकार के जो कष्ट है आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आचार. और ये क्लेश एक साथ जीवों पर रहते हैं और जैसे लोग जो है वो बहुत बड़ा सुंदर एनालॉजी इसमें दिया गया है कि जैसे
कि संसार में जो जैसे आप अग्नि जल रही है तो चारों तरफ फॉरेस्ट में आग लग गई और सारे ही जानवर जो है वो ज्वाला से अग्नि ज्वाला से जल रहे हैं, तो उनको एक बाल्टी एक मग पानी या एक बाल्टी पानी से या फायर ब्रिगेड बुलाने से वो आग नहीं बुझने वाली। उसको केवल जब घना घनत्वम मेघ की मालाएं आती हैं जिससे वर्षा घनघोर वर्षा होती तभी उन फॉरेस्ट फायर जो है वो शांत। उसी प्रकार ये जो संसार की जो आग लगी हुई है अति तभी अति ये जो आग है ये मटेरियल सोल्यूशन से नहीं इसे दक्ष गुरु जो है जो अपने करुणा की वर्षा करते हैं भगवान के दया की वर्षा करते हैं हमें ज्ञान देकर तब जाके ये जो सावरना शिक्षा तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करते हैं जो कि हमें सावरने से मुक्ति करता है। तो इस तरह से देखिए कि स्पिरिचुअल मास्टर जीवन में कितने अहमियत है और उनकी जो विशेष है उनको पूरा करने में यदि हम त्रुटि पूर्वक करते हैं नहीं भी कर पाते तब भी हमारे लिए श्रेष्ठ करते हैं। और श्रीमद्भागवतम कहते हैं कि यदि हम बहुत दक्षता से मटेरियल चीजों को करते हैं और अच्छी पोजीशन में पहुंच भी जाते हैं तो इससे क्या लाभ है। तो ये दोनों पोजीशन इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे महाराज तो वे सुबह जब चौक करते हैं रोज हमारे सामने आते हैं रोज हमसे बातें करते हैं चपा टॉक देते हैं अलग अलग कितने कितने स्पीकर्स बिगर स्पीकर्स को भी लेके आते हैं। तो अगर हम इनको इन टॉक्स को अटेंड करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट जो दीक्षा के समय एक बाउ लिए हैं तो है चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम कम से कम इसको अपने जीवन में प्रदान करें। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्रकट किया तो हमको भी सोचती है कि हमें जो है किसी जन्म में हम बचा पाए तो हम जब चैंटिंग करेंगे ऑफिस से चैंट करेंगे प्रेम पूर्वक भगवान चैंट करेंगे तो हमारी जो बाकी जो चीजें हैं वो भी सेटिंग हो जाए भगवत कृपा से सेटिंग हो जाए। तो हमें हमेशा एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गिवन टू अस हमें स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा यही एक निर्देशन हमें प्राप्त है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। तो आइए देखते हैं कैसे बता रहे हैं कि लिखा है कि इन द बिगनिंग द डिसाइपल मे हैव एन अभास बट व्हेन द लिंकिंग बिकम हिज हार्ड कन्विक्शन ही अंडरस्टैंड दैट इज द स्पिरिचुअल मास्टर हैज कम फ्रॉम कृष्णा एंड दैट हिज विश्वास कैन सेव हिम फ्रॉम द ओशन ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। ये जो जन्म मृत्यु का जो बार बार पुनरागमन हो रहा है इससे केवल ये जो हमारे परंपरागत गुरु है यही हमें बाहर निकाल सकते बाकी किसी भी माध्यम से हम अपने इन दुखों से प्राप्त छुटकारा नहीं प्राप्त। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमारा दुख क्या है तो हमें जल्दी लगता है कि हमारा दुख आहार निर्दम है वैसे नहीं हमारा दुख है हमारा दुख है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान भी सॉल्व हो जाएगा वो छूटता नहीं है। यही ब्यूटी है जड़ में पानी डालने की। जब हम स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बीज है तब हमारा जो मेटीरियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व दिस इज द ब्यूटी। लेकिन मेटीरियल प्रॉब्लम सॉल्व करने से स्पिरिचुअल सॉल्व है और हम पूरा जीवन मनुष्य जीवन जो है उसका जो लक्ष्य है कि वो स्पिरिचुअल नीड को समझ सके वो हम नहीं कर पाते और पूरा जीवन देखते। तो हम गुरु के सिलेक्शन में ये ध्यान रखें हम बोकस गुरु कभी ना बनाए परंपरा करते बनाए। लॉर्ड चैतन्य में भी और रूप गोस्वामी ने भी हमें बताया है कि इंटरनल स्पिरिचुअल सोल आर वॉन्डरिंग
throughout the universe, both after birth, only by the mercy of a spiritual master sent by Krishna, do we get the chance of eternal life in devotional service. कि वो भगवान की भक्ति करे, ये एक मात्र कब प्राप्त हो सकती है, जब हम गुरु की प्रेम पूर्वक भक्ति करें, तभी प्राप्त हो. तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया कि ऑल द नॉलेज अवेलेबल कैरी बाय द एंटायर डिसाइपल सक्सेशन इन इज अवेलेबल टू अस थ्रू अवर स्पिरिचुअल मास्टर. जितने भी हमारे जो आध्यात्मिक जो है इंक्वायरीज है या मेटीरियल प्रॉब्लम है, ये हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो, और हम एक्सपर्ट भी बन जाएंगे कैसे हम बाकियों के साथ व्यवहार करें. तो यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हेन द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट वॉज बिगनिंग इन द वेस्ट 1968 में, तो डिसाइपल ने श्री प्रभुपाद को एक लेटर लिखा था, तो वो लेटर के रिप्लाई श्री प्रभुपाद ने दिया, आई वॉन्ट यू कैन यमुना कैन रीड दिस. Srila Prabhupada replied, "For offering prasadam, simply prayers to the spiritual master is sufficient. The process is that everything is offered to the spiritual master, and the spiritual master is supposed to offer the same foodstuff to the Lord. When a thing is offered to spiritual master, he immediately offers to the Lord. That is the system. And as we come by parampara system, it is our duty to go through the right channel, namely first the spiritual master, then Lord Chaitanya, and then Krishna. So when we chant prayers, we do this, Vandeham Shri Guru, and gradually to the Goswamis, then to Lord Chaitanya, and then to Radha Krishna. That is the praying system. But offering the prasadam to present everything before the spiritual master, whose picture is also in the altar, means that the spiritual master will take care of offering the foodstuff to the Lord. Therefore, simply by chanting the prayer to the spiritual master, everything will be complete." Letter dated May 1, 1968. Okay, so thank you so much. तो आज हमने जो aspect देखा कि हमें वैष्णव के साथ कैसी dealing करनी चाहिए, और इसे first aspect हमने देखा कि हमें अगर डीलिंग करनी है तो मध्यम अधिकारी लेवल पर ही प्रीचिंग करनी चाहिए, और हम जब तक स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज्ड नहीं करेंगे तब तक हम अब सक्सेस नहीं ले सकते. थैंक यू सो मच.